हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने बनाया है ये डोरमैट, ये मैंने मैक्रम से बनाया है। अगर आप दो साड़ियों से बनाना चाहते हैं तो साड़ियों से बना लें, अगर ऊन से बनाना चाहते हैं तो ऊन से बना लें, बहुत सुंदर लगेगा। मैंने ये मैक्रम से बनाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। छोटी सी वीडियो से बनाए पूरा डोरमैट, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ इस वाले डिजाइन को बनाना। देखिए मेरे पास ये दो गोले मैक्रम है, बहुत अच्छा डोरमैट आता है इसका, और पूजा घर में डालने के लिए, पूजा करने के लिए न्यू डोरमैट बनता है, क्योंकि साड़ियों के डोरमैट पे पूजा नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा मैक्रम से बनाओ या ऊन से बनाओ, तो मैंने ये मैक्रम मार्केट से लिए। बहुत ही सस्ती आती है, ज़्यादा तेज भी नहीं आती और मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए इसका डोरमैट बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ये 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। तो इनका हम कैसे, पहले नॉट लगाएंगे। ये मैंने इस पर नॉट लगा ली और देखिए इस तरीके से फंदे डालेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह और ये 18। मैंने इसमें 18 फंदे डाले हुए हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहीं पे अपने फंदे बढ़ा लें, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे भी कम कर लें, मगर मैं बड़ा बना रही हूँ। तो देखिए मैंने ये 18 फंदे डाले और अब यहाँ से देखिए इस वाले कलर के डालेंगे हम दो फंदे, नॉट लगाएंगे, नॉट लगा ली मैंने और ये दो फंदे इसमें रख लिए। अब जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही पहले तो बनाएंगे। इस जगह पे आप फंदे 20 कर लेते हैं, 18 की जगह पे 20 कर लेते हैं, अभी तो कई फंदे बढ़ जाएंगे। और ये मैंने दो फंदे बना लिए। अब क्या करेंगे, इस तरीके से अंटे लगाते हुए हम इसे ब्लैक कलर को पीछे की तरफ कर देंगे और इसे हम बनाना स्टार्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब इस पूरी रो को हम लगा लेंगे, इसमें अभी हमें कुछ भी नहीं करना, सादा पूरी रो बनानी है पहले, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी क्या करेंगे। पूरी रो को बनाएंगे इसी तरीके से। बहुत जल्दी इसका डोरमैट बनके तैयार होता है, ऊन से भी ज़्यादा जल्दी, और बहुत ही गुदगुदा सा बनता है इसका डोरमैट, क्योंकि मैक्रम मोटी होती है ना, इसलिए। देखिए तो मैंने ये पूरी रो लगा ली है। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो देखिए ये मैंने पूरी रो बनाई ऐसे, देखिए एक रो में ही काफी बड़ा सा लग रहा है। देखो इधर की साइड से अभी हमें कुछ नहीं करना, पहले रेड कलर को हम बनाते जाएंगे जैसे बनाया है वैसे ही।
देखिए, मैंने अभी कुछ नहीं किया है इसमें, ना तो फंदे बढ़ाए हैं ना घटाए हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब यहाँ से इस वाले कलर को हम पीछे की तरफ निकालेंगे, उंगलियों पे इस तरीके से रखेंगे और फिर इस क्या करेंगे, इस ब्लैक कलर को भी हम पीछे की तरफ कर लेंगे और इस तरीके से देखिए रेड कलर के में अंटा लग रहा है ना, देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से हम ब्लैक कलर से एक फंदा बना लेंगे, फिर से आगे करेंगे और फिर से इसे पीछे की तरफ से देखो, ये एक फंदे के तीन फंदे हो गए। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ से एक फंदा हम उतारेंगे, दूसरे फंदे से बनाना जो हमने बढ़ाया था उससे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अंटे लगाते हुए, जैसे हम अंटे लगाते थे वैसे ही लगाते हुए बनाएंगे, लास्ट में जाकर के हम दो फंदे छोड़ेंगे। देखिए लास्ट में जाकर के छोड़ेंगे दो फंदे। देखिए बहुत ही आराम से बनता है ये डोरमैट। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दो फंदे छोड़ दिए और धागे को अपनी तरफ ले लेंगे, यहाँ से बनाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कैसे फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इसे हम ऐसे इसके ऊपर रख के पीछे की तरफ निकालेंगे, मैंने निकाल लिया है, फिर से इस वाले को भी पीछे निकालेंगे और यहाँ से एक फंदा बनाएंगे, ये बना लिया। अब धागे को आगे की तरफ लेंगे और इसे हम ऐसे लगाएंगे, इसे देखो इस तरीके से लगाएंगे, इसके ऊपर से सीधा फंदा लेंगे तो एक फंदा हमारा ये बढ़ जाता है। अब इस फंदे को भी हम सीधा लेंगे क्योंकि लास्ट वाला फंदा है, इस तरीके से ये मैंने सीधा लिया। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना, इस वाले फंदे को हम उतारेंगे, अब यहाँ से जैसे हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं वैसा ही बनाते जाएंगे। अल्टा देते हुए रेड कलर को बनाएंगे, साथ ही साथ अपने अंटे खोलते जाएंगे ताकि हमें बनाने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से अब बनाएंगे, यहाँ पे मैंने अभी दो फंदे छोड़े थे, अब की बार में हम चार फंदे छोड़ देंगे। प्लीज मेरा ऐसे ही साथ देते रहना, मेरी वीडियो को देखते रहना ताकि जो मैं आपको सिखा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए टाइम निकालो प्लीज, और मेरी वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के साथ मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ाओ। देखिए अब मैंने यहाँ पे चार फंदे छोड़ दिए, फिर से इधर की साइड में हम बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बनाते जाएंगे इस तरीके से उल्टा ही उल्टा दोनों तरफ से, बस ब्लैक कलर में हमें डिजाइन रखनी है क्योंकि साथ ही डोरमेट के मैं झालर बनाकर दिखा रही हूँ आपको। देखिए अब हम तीसरा फंदा बढ़ाएंगे, इस तरीके से ऊपर रखेंगे, इसे पीछे की तरफ लेंगे, फिर इसे भी हम पीछे की तरफ लेंगे और यहाँ से ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे, फिर इसे आगे करेंगे, फिर इस पीछे से डाल के इस तरीके से लेंगे, फिर इस वाले फंदे को हम उल्टा लेंगे, फिर लास्ट वाला फंदा हम सीधा लेंगे ऐसे इस तरीके से। देखो इसकी किनारी भी सेट आती जा रही है सीधे फंदे से। तो इसी तरीके से हमने ये तीसरा फंदा बढ़ा लिया है, पांच फंदे हमें बढ़ाने हैं, दो फंदे मैंने डाले थे, तीसरा फंदा बढ़ा लिया है।
अब 5 फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से कुछ जाली बनती आएगी, आपको दिख रही होगी। अब क्या करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब हम जैसे एक साथ 5 फंदों को घटाएंगे, एक फंदा घट गया यानी कम हो गया, और ये दूसरा फंदा, और देखिए ये तीसरा फंदा, और ये चौथा फंदा, और ये पांचवा फंदा, छठवा फंदा। देखिए हम दोनों फंदों को बचा यानी बना लेंगे, क्योंकि हमने 2 फंदे डाले थे इसलिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हम 2-2 करके फंदे छोड़ते थे वैसे ही छोड़ते जाएंगे। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी डिजाइन बनके तैयार होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब देखिए इधर की साइड में हमारे 5 फंदे यानी 10 फंदे घट गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। ऐसे ही 2-2 करके इन वाले 5 फंदों को भी छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से इसी तरीके से हम देखो कितनी सुंदर इसकी डिजाइन आई हुई है, ऐसे ही बनाएंगे। तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी, एक बार और फंदा बढ़ाकर के आपको बता देती हूँ मैं, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। और मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आप बहुत ही आसानी से बना लें। देखिए ध्यान से देखना, इस वाले धागे को हम इसके ऊपर रखेंगे, इसे पीछे की तरफ निकालेंगे, फिर उसको भी पीछे की तरफ निकालेंगे और ब्लैक कलर से बनाएंगे। सीधा फंदा लेंगे इसे और फिर से आगे करेंगे, फिर से इसे भी सीधा लेंगे। और देखिए ये 2 फंदे के 3 फंदे हो गए, एक फंदा हमने फिर से बढ़ाया यहाँ पे। तो इस वाली कली को हम पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ, इस वाली कली को। तो देखिए हमने फिर से 7 फंदे कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे हमें इन्हें 2-2 करके, 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट वाला फंदा हम रेड कलर से घटाएंगे, क्योंकि अब हम कली रेड कलर से ही बनाएंगे। ये देखिए अब ये रेड कलर से लेंगे, 2 फंदे मैंने रेड कलर से लिए। अब हम क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ निकाल देंगे, अब इसे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। एक कली हमारी ये कंप्लीट हो गई है, आपको दिख रहा होगा मैंने 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ दिया है। तो जैसे मैंने आपको ये कली बनाकर दिखाई है, देखिए ये वाली कली मैंने बना करके दिखाई है, वैसे ही सेम बनाएंगे। इस वाली को हम ब्लैक कलर की बनाएंगे और ब्लैक कलर को हम रेड कलर बनाएंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखा दूंगी, सेम इसी तरीके से बनाना है। देखो जाली वाली कली, तो थोड़ा सा बनाकर दिखाती। तो देखिए मैंने यहाँ से ये कलर चेंज किया था और इस वाले रेड कलर की मैंने ये यानी पत्तियाँ बनाई और ब्लैक कलर की मैंने ये कली बनाई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर चेंज करते हुए ये डिजाइन बनाई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है ये। ऐसे ही हम अपना पूरा गोल डोरमैट बनाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। मगर मेरे पास यही थोड़े से कलर है तो मैं इससे पूरा डोरमैट नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा इस छोटी सी वीडियो में और पूरे डोरमैट की डिजाइन में बता देती हूँ।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।